नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मरीज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब भी आप बाथरूम करते हैं, जब भी पेशाब करते हैं या करने के बाद या करने के समय, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन होता है, दर्द होता है, और जब भी बाथरूम करना होता है उस समय कभी कभी ये भी होता है कि पेशाब करते समय ब्लड भी आ जाता है, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा कट कट के कटने जैसा दर्द होता है। उस बीमारी में हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जब भी बाथरूम करना होता है तब उस कंडीशन में बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, उस समय जो भी पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इस बीमारी को क्या बोला जाता है, इस बीमारी का उपचार क्या है और इसमें क्या परहेज किया जाता है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो जो भी लोग हैं नए, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो लास्ट तक मेरे साथ बने, वीडियो में बने रहिए और जानिए इसके उपचार और इसका समाधान। दोस्तों, तो जो इस ये बीमारी है, जब भी किसी को इन्फेक्ट करता है, जब भी किसी को ये दिक्कत परेशानी होता है, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेशाब करने वाले रास्ता यानी यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसको क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद उसमें ये स्वेलिंग आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और स्वेलिंग आने के बाद जो रास्ता होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर शुरुआती में पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट हो जाता है, तो जल्दी से ठीक हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत परेशानी होता है। और जब भी बाथरूम जो रोगी होता है, जब भी बाथरूम करता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, रुक रुक के उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप बाथरूम होता है, पेशाब जो होता है बूंद बूंद करके होता है, और कटने जैसा दर्द होता है, उसमें पूरा प्रॉपर रूप से बाथरूम नहीं होता है, रुक रुक के होगा, थोड़ा सा होने के बाद उसको फिर दोबारा सेंसेशन आएगा कि नहीं बाथरूम लगा हुआ है, तो फिर वो रोगी फिर थोड़ी देर के बाद बाथरूम करेगा, फिर थोड़ा सा होगा, फिर थोड़ी देर के बाद बाथरूम नहीं होगा, फिर थोड़ी देर के बाद उसको महसूस होगा। तो इस तरह के लक्षण होते हैं, जब भी वो बाथरूम करता है तो बहुत ज़्यादा कटिंग पेन होता है, ये सारे सिम्टम UTI के हैं यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, ये इकोलाई इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये सारा इसके लिए हम यूरिन रूटीन टेस्ट कराते हैं, कभी कभी यूरिन कल्चर भी कराया जाता है, अगर ये जल्दी से ठीक नहीं होता है तो फिर यूरिन कल्चर टेस्ट कराना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप पब्लिक प्लेस में पब्लिक बाथरूम यूज करते हैं, कहीं आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ का बाथरूम यूज करते हैं, अगर कोई किसी को ये इन्फेक्टेड कोई इन्फेक्टेड हो और वो वहाँ पे बाथरूम किया हो तो उसके बाद आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, अगर आप इस तरह के पब्लिक वाले रेस्टरूम यूज कर रहे हैं तो आप इसमें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है, हल्का गुनगुना पानी पीना होता है, और पानी बहुत ज़्यादा पीने की वजह से जो इकोलाइक बैक्टीरिया होते हैं उनमें कमी आती है, साथ साथ होम्योपैथी की कुछ दवा चलती है जिससे जल्दी से ठीक हो जाता है और हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, दोबारा होने के चांस ही नहीं होता। हाँ, दोबारा कब होगा, जब आप फिर इस तरह का पब्लिक प्लेस पे जाएंगे या पब्लिक बाथरूम यूज करेंगे तो होने के चांसेज होते हैं। महिलाओं में ज़्यादा होने की समस्याएँ होती हैं, ये बीमारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा होने के चांसेज होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इजिली कॉन्टेक्ट में रहती हैं और पुरुष की अपेक्षा, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। कभी कभी अन प्रिकॉशंस रिलेशन में के बाद भी हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से UTI होने के चांसेज होते हैं। दोस्तों, तो इसमें आप साफ सफाई और पानी दोनों का बहुत महत्व है, साफ सफाई रखिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए ताकि जल्दी से ये बीमारी ठीक हो जाए। होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ जिसको आप लीजिए और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इस बीमारी से आप निजात पालेंगे। दोस्तों, तो पहली दवा है कैंथेरिस, कैंथेरिस में अगर कटिंग पेन हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके बाथरूम हो रहा है और बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, तो कैंथेरिस 200 पावर में आप 5-5 बूंद ले सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत जल्दी ये काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, पानी के साथ ही लेना है, ज़्यादा पानी यूज करना है। दूसरी दवा बर्बेरिस बुल्गेरिस मदर टिंचर है, इसका आप 20-20 बूंद पानी में डाल के लेंगे, इसमें भी वही समस्या होती है जिसकी वजह से बाथरूम कट कर ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है और कटिंग पेन होता है, तो आप इस दवा को यूज करेंगे। दोस्तों, तीसरी दवा है सरसा पेरिला, सरसा पेरिला में भी
अगर ये कंडीशन होता है तो आप सरसा करेला 200 पावर में 5-5 दूध आपको 3 टाइम लेना है होता है। जो एक और दवा है होम्योपैथी का यूटीआई ड्रॉप करके आता है, यूटीआई ड्रॉप को आपको एसबीएल का यूटीआई ड्रॉप को आप 15-15 दूध आपको 3 टाइम लेना होता है। ये बहुत अच्छी दवा है, इसको भी पानी में डाल के ही लेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप रिकवर होने लगता है, बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है दोस्तों। तो इस बीमारी में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस यूज करना होता है, बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है और आपको साफ़ सफाई का ध्यान देना होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको करनी होती हैं, इसके बिना जल्दी से ठीक नहीं होगा। हाँ, इसके साथ एक लाइकोपोडियम मोनियम का आप खाली पेट 5 बूंद सुबह आप पानी के साथ लीजिए, इससे क्या होगा ये बहुत जल्दी बूस्टअप डोज का काम करता है, बहुत जल्दी रिकवर करता है, बहुत जल्दी उस एक्शन को तेज करता है ताकि जल्दी से आप ठीक हो जाए दोस्तों। तो जो भी मैं जानकारी दिया हूँ आपको कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, और जो भी आप लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं दोस्तों। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए बहुत